चमोली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में कुछ दिन पूर्व हुए परिणाम घोषित में अनियमितताएं पाई जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बताया कि लगभग 90% छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। ये विश्वविद्यालय प्रशासन की एक बड़ी कमी है, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य का घेराव किया और जल्द से जल्द पुनः मूल्यांकन करने के लिए मांग रखी गई। चमोली से संदीप की रिपोर्ट। ये पिछले एक हफ्ते के अंतर्गत विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, मगर जिस प्रकार हमने देखा कि 2018 में भी विश्वविद्यालय के द्वारा मनमानी की गई थी, लगातार कई बार उनको समझाने के बाद भी लगातार इस प्रकार की अनियमितताएं छात्रों के रिजल्ट में करते हैं। ये यूनिवर्सिटी केवल और केवल छात्रों से पैसा वसूलने के लिए खोली गई है। हमारा तो ये मानना है कि इस विश्वविद्यालय में सभी छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय किया गया है।